हेलो बच्चों, लेट स्टार्ट विद द क्वेश्चन। फ्रूट इज चेम्बर्ड मतलब उन्होंने हमें न, की की है, हमें ना फ्रूट फ्रूट की की प्रोवाइड को आया है उसमें इन्फीरियर ओवरी थी एंड सीड्स विद टेस्टा सो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड की हुई है उसके बेसिस पे हमें सही आंसर चूज करना सो लेट स्टार्ट रिक्वायर्ड फॉर द क्वेश्चन So, यहां पर जो हमें बेसिक चीजें प्रोवाइड की गई है उस बेसिस पे द की कॉन्सेप्ट इज फ्रूट अनाटमी अब अगर हम फ्रूट अनाटमी को प्रॉपरली पढ़े तो यहां पर हम लोग तीन चीजों से डील करने वाले वो तीन चीजें कौन कौन सी है फर्स्ट ऑफ ऑल चेम्बर्ड चेम्बर्ड पहली चीज उन्होंने जो हमें लाइक uh, कंडीशन like, दी है सेकेंड उन्होंने बोला है कि भाई उस प्लांट का जो फ्लावर होगा उस वो ियर ओवरी वाला होगा एंड जो थर्ड उन्होंने हमें क्राइटेरिया दिया है वो है टेस्टा सर्क्यूलो so, इन चीजों को समझ, समझते हैं फॉर दी अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर की सो यहाँ चेम्बर्ड का सिंपल मीनिंग है कि जो फ्रूट है ना उसके अंदर आपको कंपार्टमेंट्स देखने को मिल रहे कंपार्टमेंट देखने को मिल रहे हैं इन्फीरियर ओवरी का क्या मतलब है Inferior ovary का मतलब है है, कि जो इट इज लोकेटेड बिलो लोकेटेड बिलो मतलब जो अदर पार्ट्स होगे, वो ऊपर की तरफ प्लेस्ड होंगे एंड जो ओवरी uh, होगी वो उन सब के नीचे होगी अब आता है सर्क्यूल टेस्टा सर्क्यूल टेस्टा का मतलब होता है टेस्टा का मतलब है हमारे वो या तो वो जूसी होगा या तो वो फ्लैशी होगा जूसी और फ्लैशी का सेम मतलब होता है कि काइंड uh, ऑफ kind of ऐसे seeds जो आप यूजली uh, खाते हो द एडेबल वो ये था हमारा की कॉन्सेप्ट नाउ लेट स्टार्ट विथ दी ऑप्शन अगर पहला ऑप्शन देखे तो पहला ऑप्शन है हमारा ऑरेंज ऑरेंज so, की अगर कैरेक्टरिस्टिक जो हमें तीन क्राइटेरिया बताए थे उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखे तो ऑरेंज के अंदर हमें सुपीरियर ओवरी uh, देखने को मिलती है बट हमें चाहिए थी इंफीरियर ओवरी सो इस वजह से ऑप्शन ए जो होगा वो हमारा आंसर नहीं हो सकता अब अगर ऑप्शन बी देखे सो ऑप्शन बी कहता है कुकुम्बर सो so, कुकुम्बर यानी कि हमारा खीरा So, की अगर हम बात करें तो so, कुकुम्बर में हमें इंफीरियर ओवरी तो देखने को मिलती है सो so, ये तो हो गया प्लस पॉइंट इनफीरियर ओवरी है और वो मैच करता है कंडीशन के साथ बट ना इसके जो सीड्स होते हैं दे आर नॉट सक्यूलेंट देआरट यानी कि वो जूसी नहीं होते जैसा क्वेश्चन में बताया गया सो so, ये भी नहीं हो सकता नेक्स्ट ऑप्शन अगर हम देखें तो वो है पोमग्रेनेट अब पोमग्रेनेट होता है हमारे अनार अब, अब जब अभी हमने अनार को काटते हैं तो हमने ये देखा है कि भाई अनार के अंदर ना जैसे ये अगर अनार है तो अनार के अंदर बहुत सारे ऐसे ऐसे कम्पार्टमेंट होते हैं वो कम्पार्टमेंट है तो इसका मतलब कि उसमें की प्रेजेंस है सो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हुई सेकेंडली हमें इसमें इंफीरियर ओवरी भी देखने को मिलती है सो इनफीरियर ओवरी वाली कंडीशन भी सेटिसफाई हुई थर्ड कंडीशन आती है अबाउट द सीड्स अच्छा जो हम लोग अनार के दाने जो खाते हैं उसमें हमने देखा होगा कि अनार का सीड होता है और उसके अराउंड कुछ जूसी सा होता है अगर उसको पिचका है तो उससे जूस निकलता है राइट right? वही तो हमारे सीड्स है वही तो हमारा सर्क्यूलेंट टेस्टा है तो ये भी प्रेजेंट है सो द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज ऑप्शन सी पोमग्रिट उसके अंदर चेम्बर भी है उसके अंदर उसके अंदर आपको सर्क्यूलेंट टेस्टा भी मिलते हैं जो एक्चुअली में एडिबल पार्ट होते हैं and inferior ovary wala plant. Hope you have understood it well students. Best of luck.